अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रक चलाने का जो है तरीका बताऊंगा। ये मर्सिडीज बेंज 2015 MP4 गाड़ी है, तो इसका मैं आपको अभी चलाने का तरीका बताता हूँ। बहुत इजी है ये, बिल्कुल भी ट्रैक्टर की तरह मुश्किल नहीं है। जैसे आपको लगता है कि अगर ये बड़ा ट्रक है तो ट्रैक्टर की तरह इसका भी क्लच के ऊपर खड़े होकर तो दोनों हाथों से गियर लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। अरे ये देखें, इस नीचे जो है ना दो पैडल हैं, ये ब्रेक है और क्लच भी इसमें ही है, और ये जो है एक्सेलेटर है। तो इस साइड पे एक बटन लगा हुआ है पाँव के साथ, वो येलो कलर का, पाँव के साथ पुश करके तो ये अपना स्टीयरिंग वगैरह जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक लीवर लगा हुआ है राइट साइड में, इसके ऊपर एन डी और आर लिखा हुआ है। अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है, इसको बड़े आराम से प्यार से और अदब के साथ दो उंगलियों के साथ डी पे कर देना, हमारा गियर जो है ना उधर दूसरा लग गया। उसके बाद जो ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक को ऐसे ओपन करना है, तो बड़े आराम से जो है ना एक्सेलेटर दबा के तो एक उंगली के साथ भी इसको जो है ना मोड़ सकते हैं। बिल्कुल भी स्टेयरिंग जो है ना भारी नहीं है, प्रेशर स्टेयरिंग है, बहुत हल्का है। एक दफ़ा जो है ना वो गियर लीवर से जो डी पे करके छोड़ देना, उसके बाद स्पीड के हिसाब से जो है ना वो खुद ही गियर जो है ना चेंज करती जाएगी। ये अभी मैं नीचे गाड़ी खड़ी की हुई थी कच्ची जगह पे, अभी रोड पे चढ़ा हूँ तो आपको स्पीड बढ़ा के भी दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे जो है ना वो गियर खुद ही चेंज कर रही है। अभी 6 से 7 हो गए, स्पीड जो हमारी वो 30 पे जा रही है। बिल्कुल भी मैं किसी जगह पे हाथ नहीं लगा रहा, बस ऐसे पकड़ा हुआ है, उधर डीप गया हुआ है और जो है स्पीड एक्सीलेटर से बढ़ा रहा हूँ तो खुद ही जो है ना गियर बड़े हो रहे हैं। 12 गियर होते हैं इसके, तकरीबन 75 तक जाते तक ना ये अपना 12वां गियर में आती है। अभी 11वां गियर लग गया, अभी 70 से ऊपर जाके जो है ना इसने गियर जो है ना चेंज करना है लास्ट वाला। उसके बाद 120 की स्पीड है, 120 पे भी ले जाएंगे तो 12वें गियर में चलती रहेगी। और उसके बाद जब गाड़ी कहीं पे रोकनी है तो बिल्कुल कार की तरह जो है वो ब्रेक दबाएंगे, ऐसा ऐसा जो है ना खुद ही जो है अपने गियर छोटे करते जाएगी गाड़ी, बिल्कुल इजी है। अब 500 किलोमीटर चलानी है या 1000 किलोमीटर चलानी है, ऐसे ही बिल्कुल जो है ना स्टेयरिंग को एक हाथ से पकड़ लेना है और एक पैर से जो है ना एक्सीलेटर दबाई जाना है। चाहे 1000 किलोमीटर ले जाएं, बिल्कुल भी ये ट्रैक्टर वाला हिसाब नहीं है, दो हाथों से जो है गियर लगाना है, क्लच के ऊपर खड़े होकर क्लच दबाना है, वो थकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। अभी मैं जा रहा हूँ दमाम, जद्दा से लोड किया था कल शाम को, ताइफ आके सो गया था, अभी ताइफ से उठ के तो चला हूँ सुबह 8 बजे का। अभी रियाज का सफ़र जो है ना वो 6 घंटे बाकी है, उधर थोड़ा स्टे करके तो फिर आगे दमाम के लिए निकलूँगा। कल इंशाल्लाह 9-10 बजे तक दमाम पहुँच जाऊँगा, उधर गाड़ी खाली करूँगा। और अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो एक हाथ से आप स्टीयरिंग को पकड़ लें और एक पैर से जो है ना वो रेस को दबा लें बस, और कोई भी काम नहीं करना। आपने 500 किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, आप ऐसे जा सकते हैं। अगर टांग बिलफर्ज थक गई है तो ये क्रूज़ बटन लगा हुआ है, इधर से इसको प्रेस करूँगा तो इधर जो है ना क्रूज़ लग जाएगा, हमारा स्पीड फिक्स हो जाएगी, पाँव का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ जो है ये एक हाथ से पकड़ के रखना है स्टीयरिंग को, और 500 किलोमीटर सफ़र करना है, 1000 किलोमीटर सफ़र करना मुश्किल नहीं, आप जा सकते हैं। बिल्कुल छोटी कार की तरह, ऑटोमेटिक जो कार होती है उसकी तरह बिल्कुल ईजी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर वाला काम नहीं है, बड़े आराम से जो है आप इसको चला सकते हैं, बिल्कुल छोटी कार की तरह ईजी है ऑटोमेटिक ट्रक जो है।
जो गियर वाला होता है उसमें थोड़ा क्लच का मुश्किल होता है, उसका क्लच दबा के पाँव से इधर उसका गियर लीवर लगा होता है, नीचे डंडा लगा होता है बड़ा सा, उसके साथ फिर आपको गियर वगैरह लगाना पड़ता है, तो बाजू भी थक जाते हैं और टांगे भी। इसमें ना बाजू थकता है और ना टांगे, सिर्फ और सिर्फ आपका काम कितना है, ये एक हाथ से आपने स्टीयरिंग पकड़ना है। लॉन्ग रूट में इधर से आप ये बटन लगे हुए हैं, इधर से आप क्रूज सेट करते हैं स्पीड, इतनी स्पीड पे आपने जाना है, उसके बाद आप कोई टेंशन नहीं है, आप टांग पे टांग रख के बैठ के जा सकते हैं।